लाहौर कहा जाता है कि ये शहर दिल है, लेकिन इस शहर का दिल बहुत बड़ा है। ये एक सदियों पुरानी दास्तान है जो जिंदा है, जिसकी हवा में मस्ती है, जिसके लहजे में जुनून है। इसकी सुर्ख ईंटों से बनी तंग गलियां तारीख नहीं रोशन है। ये शाहों का तख्त है, ये बुजुर्गों की मसनद है, ये दाता की नगरी है, ये वजीर खान का फन पारा है। लाहौर सबसे बड़ा नहीं, लाहौर बहुत बड़ा है। ये झूमने से थकता नहीं, ये घूमने से खत्म होता नहीं। इसका हर दरवाजा खुला है, बाहें फैलाए, मुस्कुराहट सजाए। माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा, ए माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच छेड़ के तंग कत दी हुलारे खावा, बे माया तेरे देखन नू झुक चरखा गली दे विच डावा, बे माया तेरे देखन नू सवेरा मेरे तन बरसे, कचरा अंधेरा तेरी झांकी मां, तकदरा मिला जो तेरे दर पर से। ओ मौला मौला ये मस्जिद बादशाह औरंगजेब ने बनाई थी, फिर बादशाह औरंगजेब ने इधर बैठ के खुद ये मस्जिद बनवाई। आप जो भी सामान हिंदुस्तान से बुलाया गया तो ये मस्जिद उसने बनाई आबादत के लिए। इसमें 1,00,000 आदमी रेडी टाइम नमाज पढ़ सकता है। 1,00,000 सिख की हुकूमत ही थी, उसने इस मस्जिद को वीरान कर दिया था, जानवर बांध दिए थे, फिर किसी गवर्नर ने आगे यहाँ से निकाले वो घोड़े वगैरह।
कि जंगीर बादशाह था, एक मुगल सल्तनत का चौथा बादशाह था, तो जो कि 1627 ईस्वी में कश्मीर से लाहौर वापस आते हुए राजौरी के मकाम पर फौत हो गए थे। तो उधर से फिर यहाँ पे लाकर दफनाया गया है। तो उनके बेटे जानशीन थे शाहजहान, जिन्होंने जिसके बेटे ने शाहजहान ने मकबरा तमीर करवाया था सर। ये बनाने में 10 वर्ष लगे थे और 10 लाख रुपया खर्चा इस पर आया था। जंगीर बादशाह की कहा जाता है कि दो कब्रें हैं, ये कब्र गुजरात पे है, तो मतलब कि गुजरात से आगे एक जगह भिम्बर के मकाम पर हैं जहाँ पे बादशाह की आंतड़ियाँ दफन हैं, और जो जिसद बॉडी है वो यहाँ पे ला के दफन किया था, उसमें ज़ाफरान भर के तो आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक यहाँ पे ला कर सर दफन किया गया है। मेरा नाम जगजीत सिंह समरा, मैं इंग्लैंड रहने वाला, लगभग 1967 तो लैके मैं इंग्लैंड रहना। सो असी लाहौर में आए सी इस साल गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मनाने लिए ननकाना साहब विखे 27 नवंबर असं मना रहे हैं, और असी 16 नवंबर ननकाना साहब आए से, अज लाहौर दूसरी तीसरी बार अज लाहौर आए हैं।